हमारे चैनल लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं कि आपको हमारे वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, ये माशाल्लाह लुटिनों के पट्टे निकले हुए हैं और इमरान साहब जो कि गुलशन इकबाल में रिहाइश पज़ीर हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल के हवाले से सब्सक्राइबर्स भी हैं और वक्तन फोक्तन डिस्कस भी होती रहती है। उन्हें ये लुटिनों के पट्टों की रिक्वायरमेंट थी, तो ये माशाल्लाह आज आए हुए हैं ले जाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपसे भी शेयर कर लिया जाए। ये जो ब्रीड माशाल्लाह निकली हुई है, बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि माशाल्लाह इस तरह की अगर ब्रीड आपको चाहिए तो लोधी बर्ड्स चैनल में मुख्तलिफ़ टिप्स हमने दी हुई हैं, कॉकटेल के हवाले से भी और लबड़ के हवाले से, फिशर के हवाले से। वो आप वाच करें, उनको फॉलो करें और जब आप प्रॉपर तरीके से उनको फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक इनको ड्राई मिक्स फीड खिलाएंगे, सॉफ्ट फूड, ब्रीडिंग फार्मूला, तो इंशाल्लाह ताला आप भी इस तरह की ब्रीड हासिल कर सकते हैं। दिखाने का मकसद ये है कि बहुत से साथी हैं जो अक्सर फ़ोन पर बात करते हैं कि जी उन्होंने बर्ड्स तो अपने बाहर रखे हुए हैं लेकिन ना तो वो अंडे ही दे रहे हैं ना बच्चे दे रहे हैं, तो उसका प्रॉपर हल क्या होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देख लें, अगर आप प्रॉपर और सही तरीके से मेहनत करें तो माशाल्लाह आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, चाहे वो लुटिनो हो, चाहे वो अल्बिनो हो, चाहे ब्लू पर्सनाटा हो, कोई भी बर्ड्स हो, उसमें आप इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। शर्त यही है कि पहले आप उसको प्रॉपर तरीके से सीख लें और इसके बाद जनाब अली आप काम शुरू करें। तो व्यूअर्स, ये माशाल्लाह लेकर जा रहे हैं और इससे पहले भी हमारे पास से ये बर्ड्स ले जा चुके हैं, बड़े मुतमईन थे, फिशर लेकर गए थे, अब इनकी डिमांड थी लुटिनों के हवाले से, तो माशाल्लाह ये पट्टे निकले हुए थे तो आज ये लेकर जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, यही बातें आपसे शेयर करना थी कि प्रॉपर तरीके से इनकी देखभाल करें, इनकी ग़िज़ा का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको भी बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।